लॉकडाउन के बीच दिल्ली से पैदल ही चलकर चंदौ से पहुंचे दर्जनों दिहाड़ी मजदूर पैरों में पड़े छाले। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के असर को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 21 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। इसी के साथ पीएम ने देश की जनता से अपील की थी कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर थे जब उनके पास काम ही नहीं रहा तो वे वहां रहकर क्या करते, इसलिए वहां से पैदल ही अपने गंतव्य की ओर लॉकडाउन के बावजूद निकल पड़े। ऐसे ही दर्जनों दिहाड़ी मजदूर पैदल ही चलकर दिल्ली से जनपद संभल के चंदौसी पहुंचे। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वे जनपद बदायूं के लिए दिल्ली से पैदल ही निकल पड़े। इस दौरान रास्ते में हमें लॉकडाउन की वजह से कोई वाहन नहीं मिल सका, जिसकी वजह से पैदल चलने के कारण हमारे पैरों में छाले भी पड़ गए। इस बीच जब संभल पहुंचे तो लोगों ने हमें पीने के लिए चाय और बिस्कुट भी उपलब्ध कराए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। कहाँ से आए? दिल्ली कैंट से। बताइए। और आगे बिसौली जाना है मुझे। इसकी दूरी होगी लगभग 250 किलोमीटर। और यहाँ पे आके चाय नाश्ता और केले वगैरह खाने को मिले। किसने दिए? पुलिस शासन ने। ये हैं हम औरची चौराहे पे, तो यहाँ पे सुविधा सही है और यहाँ पे हम रात को रुकेंगे, सुबह यहाँ से आगे जाएंगे। कमल नाम है। कहाँ से आ रहे हैं? रेवाड़ी से आ रहा हूँ। कहाँ जाएंगे? बिसौली आऊँगा। कितनी दूरी रेवाड़ी से आपके घर की? लगभग 300 किलोमीटर। तो आप 300 किलोमीटर कैसे आए हो वहाँ से, किस सवारी से आए हो? सर कुछ सवारी भी लेती, कोई पैदल चल के आए। पैरों में दर्द होगा और मतलब चल के आए दर्द हो रहा पैरों काफ़ी। कहाँ रुके हो उस समय? फिलहाल में चंदौसी रुके हैं। क्या यहाँ क्या सुविधा मिली आपको? यहाँ पे जो है पुलिसकर्मी लोगों ने चाय पिलाई थी, खिला भी खिला दिया था और यहाँ मतलब यहीं पर रहेंगे सुबह लिखने के। यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं है यहाँ पे कोई। आपका? महेश पाल। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहा हूँ। कहाँ जाना है? हरदोई। हरदोई? हरदोई और आपकी दिल्ली के बीच कितनी दूरी है? यहाँ से सर दिल्ली से 400 किलोमीटर। कितना किलोमीटर लगभग पैदल चल के आए आप? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। इस समय कहाँ खड़े हुए हैं? इस समय चंदौसी में खड़ा हूँ। चंदौसी। अब यहाँ आप रुकेंगे जाएंगे? रुकेंगे सर यहीं। तो यहाँ क्या व्यवस्था है आप लोगों के लिए? बोले हैं सर जी, बोले हैं कि आगे व्यवस्था है आपके जाने के भी उपाय हो जाएगी वहाँ से, बस बस के उपाय हो जाएगा। पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है आपकी? जी जी सर। बिस्कुट विस्कुट भी मिले मेरे को आगे चंदौसी में। जी सर, एक जेब में भी पड़ा है, एक खा चुका हूँ। जी सर। तो क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी है सर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है सर। इतना ही होना चाहिए, इतना ही बहुत है सर। प्रशासन आपका पूरा ख्याल कर रही है? पूरा सर।